अभी हमारा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे बैंक में थैला भर के लेने के लिए, देखते हैं यूट्यूब वाले कितना थैला भर के देते हैं हमें। वेल का नाम है नॉर्वेल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जय स्वामी नारायण। आज का व्लॉग यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। अभी बारिश रुक गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम लोग जहाँ से जा रहे हैं फार्म पर, तो चलिए चलते हैं फार्म पर, हमारे साथ बने रहिए, पूरा व्लॉग देखते रहिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं और शैलेश भाई जा रहे हैं फार्म पर। शैलेश भाई जल्दी चलो, बारिश आ जाएगी फिर से। अभी बारिश थोड़ी देर रुकी है तो तब तक जल्दी से निकल जाते हैं फार्म पर, और साथ में दो कैरेट भी ले लेते हैं क्योंकि ड्रैगन फ्रूट हमें आज उतारने हैं, इसलिए कैरेट हमने ले लिया है। अब जहाँ से निकल रहे हैं फार्म पर। देखो दोस्तों, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा हरा हरा हो गया है। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हमारे फार्म पर। देखो बारिश गिरी है, आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। अभी थोड़ी देर के लिए रुक गई है बारिश, पता नहीं कब आएगी। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा घास निकल आता है, और ये देखो डॉगी। देखो इससे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है बारिश की वजह से। देखो 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 कितना मज़ा आ गया है। हमारे ये डॉगी है, इधर ही रहते हैं फार्म पर। ये देखो हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया है, वो उसके बीच में बहुत ज्यादा घास निकला है बारिश की वजह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारी मगफली कितनी बड़ी हुई है। देखो ज्यादा नहीं लगाई है, इतने में ही मगफली लगाई है। सभी ऑर्गेनिक प्रोसेस से हम लोग उगाते और ये हमारे लिए ही लगाई है खाने के लिए। और देखो हमारे ड्रैगन फ्रूट, यहाँ पर कैरेट हमने रख दिए, दो तीन कैरेट उतारेंगे ड्रैगन फ्रूट का।
और यहाँ पर हमने मैंगो का छोटा छोटा प्लांट किया। शैलेश भाई मैंगो का मैंगो कलम करेंगे, इस मैंगो में केसर की कलम करेंगे बाद में, और बाद में लगाएंगे। बाद में कहाँ पे लगाना है? वो खाली साइड पड़ी है, खाली साइड पड़ी है उसमें लगाएंगे। देखो इसको देखो क्या कर रहे है, बहुत ज्यादा मस्ती हूँ। अकेले रहते हैं तब कुछ नहीं करते, हम लोग आते हैं तब वो बहुत ज्यादा मस्ती करते रहते। देखो इसको एक के पीछे भाग रहे है। ये देखो ड्रैगन फ्रूट बारिश की वजह से एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। अब ये से कच्चे कच्चे हुए है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। आज आए हैं फार्म पर घूमने के लिए। ठंडा ठंडा पवन आ रहा है और बहुत बढ़िया मजा आ रही है। तो दोस्तों हमने आगे वीडियो में दिखाया था कि इस वेल का नाम क्या है बताओ, तो हमें कमेंट आई थी वेल का नाम है नॉर्वेल। कुछ लोगों ने बोला था ये कपूर पान है, कुछ लोगों ने बोला था कि ये बटेका का वेला है, एक या दो लोगों ने बताया था कि ये नॉर्वेल है, तो वो सही है नॉर्वेल ही है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी मजा आ जाए वीडियो बनाने में और आपका सपोर्ट मिलता रहे तो आगे भी मजा आएगा। अभी ड्रैगन फ्रूट उतारते हैं, थोड़ा वो काम है वो फिनिश करते हैं, बाद में चलेंगे घर पर। और अभी घर पे तो कोई नहीं है, रिद्धि और दिव्या गए हैं नानी के घर, दादाजी है घर पर, तो जल्दी जल्दी जाएंगे घर पर, ड्रैगन फ्रूट थोड़ा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे घर पर। और फाइनली कल तक दिव्या और रिद्धि भी आ जाएंगे नानी के घर से, उसे भी आज 4-5 बजे लेने जाएंगे। अभी बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। दोस्तों देखो यहाँ पर एक बड़ा सा कुआ था पहले, वो हमने माटी से पूरा डाट दिया था, अभी बारिश हुई तो इसलिए थोड़ी माटी अंदर चली गई और यहाँ पर खड्डा पड़ गया है। देखो देखो कितनी मस्त हरियाली लग रही है, यहाँ से पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। बहुत ज्यादा पवन आ रहा है अभी, ड्रैगन फ्रूट देखो। बड़ी साइज की हो गई ड्रैगन फ्रूट की, शैलेश भाई किलो तक चला गया साइज। अभी बांध भरे लिए ना,
बारिश हो रही है इसलिए ड्रैगन फ्रूट की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। कौन सा थैला खाना है? अभी हमारा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे बैंक में थैला भर के लेने के लिए। देखते हैं YouTube वाले कितना थैला भर के देते हैं हमें। अभी हम लोग घूम रहे हैं फार्म के अंदर, साथ साथ में आपको भी दिखा रहे हैं पूरा फार्म। देखो पीछे हमने पिलर के ऊपर एक गोल व्हील लगाया है और इसमें पूरा टेलिस मेथड की तरह लगाया है, तार लगाया है इसमें। आप देख रहे हैं वो तार लगा हुआ है और इसमें ऊपर चक्र लगा दिया है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमने एक बार YouTube चालू किया है तो अभी वीडियो तो आपको देखने को मिलता ही रहेगा, बार बार आता रहेगा। अगर किसी को ड्रैगन फ्रूट चाहिए ऑर्गेनिक तो ये डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर कॉल कर देने का। ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो हम लोग आपको डिलीवरी भी कर जाएंगे। और हमारे ड्रैगन फ्रूट की मिठास भी कुछ अलग है, सभी जगह जाते रिपीट ऑर्डर मिलते हैं हमें, क्योंकि पूरी प्रोसेस ऑर्गेनिक है, हम कोई भी रासायनिक दवा नहीं डालते हैं इसमें। बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि आप लोग पूरा वीडियो गुजराती में बनाइए, हिंदी में मत बनाइए। तो दोस्तों ऐसा है, हमारे सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा हिंदी समझने वाले हैं तो इसलिए हम लोग हिंदी में व्लॉग बनाते हैं पूरा। गुजराती में क्या होता है कि कच्छ गुजरात के अंदर ही सभी लोग देखते हैं, गुजरात से बाहर जैसे ही चलते हम तो सभी लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं। दूसरी कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पर भी हिंदी लोग ज़्यादा समझते हैं तो इसलिए हम लोग हमारा हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको गुजराती में व्लॉग चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए तो हम भी एक दूसरा चैनल और चालू करेंगे और उसमें गुजराती में व्लॉग डालेंगे। वो चैनल पे डेली गुजराती व्लॉग आएगा। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं हिंदी में व्लॉग बनाने की, तो आप भी सपोर्ट कीजिए हमें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जैसे हमें कमेंट करते तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इच्छा होती है और वीडियो और हम और बनाते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है, हम भी नहीं है। आपका प्यार ऐसे ही बना रही और आपका फुल सपोर्ट कीजिए हमें। अभी यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर पर। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।